इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर विधानसभा चुनाव में इस बार लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की पत्नी और साली दोनों नहीं दिखेंगी। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट की रेस में इस बार जिन दो चेहरों का नाम बड़ा तेजी से सामने आ रहा था, उनमें से एक तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय और दूसरी उनकी साली करिश्मा थी, लेकिन दोनों ही फिलहाल टिकट की रेस से बाहर हो गई है। पहले से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि तेज प्रताप यादव के विरोध में उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय को जेडीयू मैदान में उतार सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तेज प्रताप यादव ने भले ही अपनी सीट बदल ली, लेकिन ऐश्वर्या राय भी इस बार के चुनाव मैदान में नहीं आई है। दूसरी ओर तेज प्रताप यादव की ही साली, जिन्होंने लगभग 4 महीने पहले राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ली थी, पार्टी में इस बार विधानसभा का टिकट नहीं दिया। करिश्मा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय के परिवार से है, जिनके राजद में आने के साथ ही इस बात के कयास लगाने तेज हो गए थे कि वो इस बार चुनावी मैदान में होंगी, लेकिन करिश्मा राय को टिकट नहीं मिला है। उनके दानापुर और परसा दो विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने इन दोनों जगह से अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर कयास पर फिलहाल विराम लगा दिया है। दानापुर सीट से, जहां राजद ने इलाके के बाहुबली और डॉन कहे जाने वाले रीतलाल राय को अपना सिंबल दिया है, तो वहीं परसा सीट राजद नेता छोटे लाल राय के खाते में गई है। ऐसे में करिश्मा के लिए दोनों रास्ते फिलहाल बंद हो गए हैं। करिश्मा ऐश्वर्या राय की बहन है, जिन्होंने चुनाव लड़ने के उद्देश्य से पार्टी ज्वाइन की थी। हालांकि उन्होंने कहा था कि पार्टी मुझे जो भी काम देगी उसे मैं बखूबी निभाऊंगी, लेकिन फिलहाल उनके चुनाव लड़ने की संभावनाएं खत्म हो चुकी है। बिहार से कुंदन वशिष्ठ की रिपोर्ट।